जो भी लोग इस प्रेस वार्ता को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और इस बात से संतुष्ट हैं कि हम पाकिस्तान से बेहतर कर रहे हैं, वो इस प्रेस वार्ता को ना देखें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये मानती है कि हमारा मुकाबला विकसित देशों से होना चाहिए, बराबरी विकसित देशों के बराबर होनी चाहिए। आज यूएसडी का एक यूएसडी का दाम चाइनीज युआन के मुकाबले 7.02 चाइनीज युआन है, वहीं एक यूएसडी 83.13 रुपी पर पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे खराब आंकड़ा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, पर आपकी और मेरी जिंदगी से भी जुड़ा है और देश के लिए भी एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। इससे देश की प्रतिष्ठा कम होती है, गरिमा कम होती है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते थे तो लगातार हमलावर रहते थे फॉलिंग करेंसी को लेकर, गिरते रुपए को लेकर। 59 रुपीस का जब एक डॉलर था तो उन्होंने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आपको यह भी याद होगा कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का मानना था कि जैसे जैसे देश की करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा कम होती है। दिसंबर 2022 में कहा गया कि भारत की करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है एशिया की, तो आज ये आंकड़ा और गिर गया है, आज 83.13 पर पहुंच गया है। इससे देश की प्रतिष्ठा कैसे कम होती है, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूं। आपको याद होगा कि बीते वर्ष जब एकनाथ शिंदे गुट पहले गुजरात लेके जाए गए और जब महाराष्ट्र की विधानसभा में लगातार 50 खोखे नॉट ओके के नारे लग रहे थे, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, जो अब लगता है हेडलाइन मैनेजमेंट के तहत, ये कहा था कि रशिया और इंडिया के बीच अब ट्रेड भारतीय करेंसी में होगा, रुपए में होगा। पर मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज सच्चाई ये है कि भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल है। रशिया से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं हम, वेपन्स खरीदते हैं हम, पर उसकी भरपाई हम या तो दिरहम में कर रहे हैं या फिर चाइनीज युआन में कर रहे हैं, भारतीय रुपए में नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है साथियों कि दुख की बात है कि हमारी करेंसी, भारतीय करेंसी इतना गिर चुकी है, इतनी गिरी है कि उसकी डिमांड बहुत कम है। ये दर्शाता है कि उसकी डिमांड बहुत कम है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि हम लगातार फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट तो कर रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहा है, चाहे वो यूएस हो चाहे रशिया हो, पर उस लेवल से हम भारत से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे इन देशों को। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा सामान मैन्युफैक्चर नहीं हुआ जिसकी डिमांड बाहर हो, यानी कि जो मेक इन इंडिया का एक कैंपेन चलाया गया था वो भी मात्र सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए था। उसके तहत कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना भारत में, उसके तहत कोई नया सामान बनने नहीं लगा भारत में। तो रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी, ये प्रश्न उठता है। रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे भारत में? ये तब होगा जब भारत के सामान, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और भारत अपना सामान बाहर देशों को बेच पाएगा। ये तब होगा जब व्यापारियों के लिए खाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक नारा नहीं होगा,
उनको लाइसेंस राज से मुक्ति मिलेगी और वो समान बना पाएंगे भारत में। ये तब होगा जब यहां पर इतनी अच्छी और किफायत उच्चतम स्तर की शिक्षा और सस्ती शिक्षा या मुफ्त शिक्षा होगी कि हमारे बच्चे आविष्कार करने के बारे सोचेंगे और देश में पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे। ये तब होगा जब हमारे यहाँ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ होंगी कि विदेशी लोग अपना डॉलर खर्च कर यहाँ अच्छी शिक्षा के लिए आने लगेंगे। ये तब होगा जब हमारे यहाँ अस्पताल, गांव-गांव में अस्पताल और डॉक्टर इतने अच्छे होंगे और उपलब्ध होंगे कि बाहर के लोग डॉलर खर्च कर यहाँ अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आएंगे। ये पर अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखिए कि चाहे अग्रेरियन डिस्ट्रेस हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे जॉब क्रिएशन की बात हो, भाजपा सरकार ना इन प्रॉब्लम्स को अक्नॉलेज करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना तो बहुत दूर की बात है। आज ही सुबह आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, भाजपा के मिनिस्टर, जब उनसे पूछा गया कि प्याज की बढ़ती कीमतों के बारे में, तो वो बोले कि प्याज खाना छोड़ दीजिए। तो जब तक केंद्र में कम पढ़ी लिखी सरकार है जो लोगों के प्रति संवेदन ही नहीं है, जो बढ़ते डॉलर की कीमत पर, बढ़ते गिरते रुपए की कीमत पर ये कहकर निकल जाती है कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा, तब तक महंगाई की मार आपको और मुझको महंगे तेल से और महंगी सब्जियों से ही पूरी करनी पड़ेगी। जय हिंद। देखिए, ये बीजेपी की पुरानी ट्रिक है कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। लॉ एंड ऑर्डर उनके तहत आता है। मुझे उनसे पूछना है कि जब 13 अगस्त को इतना संगीन मामला सामने आया तो उन्होंने आरोपी को क्यों शील्ड किया और इतने दिन क्यों प्रोटेक्ट किया, कल जाके गिरफ्तारी क्यों हुई। अरविंद केजरीवाल जी के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया उन्होंने तुरंत बर्खास्तगी के ऑर्डर दे दिए थे। देखिए, ये खबर पुलिस को रिपोर्ट करना होता है, आपको भी पता है भाजपा सरकार को, एलजी साहब को, तो वो हमने पूरी एक रिपोर्ट मांगी है चीफ सेक्रेटरी साहब से, वो रिपोर्ट थोड़ी देर पहले ही आई है, तो थोड़ा समय दीजिए, उसको पढ़ के बताते हैं कि क्यों विलंब हुआ, क्यों एक्शन इमीडिएटली नहीं लिया गया, जब कानून व्यवस्था भाजपा के अंडर है तो इतना विलंब क्यों हुआ।